अच्छा सिखा गए मोटे हो गए जना ओके ओके जस्ट लुक हियर ब्रदर एक शॉल कितना रुपए हां अराउंड आराम से 200 टू 300 और बट ये देख के अच्छा लग रहा है या डर लग रहा है डर लगता है मुझे सो नाउ विद माय होस्ट मैं पहुंच चुका हूं वापस त्यनचांग मार्केट में द सेम प्लेस जहां से कि उस दिन उस पुलिस वाले भाई साहब ने मेरे को त्यनचांग विलेज के लिए लिफ्ट देने का ट्राई किया था ना उसी जगह पे एंड एक चीज़ आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्पेशल दिखाता हूँ यहाँ पे हर कोई बंदा पान खा रहा है पान मसाला खा रहा है ये सब कुछ नॉर्मल चलता है यहाँ पे जस्ट लाइक यू कैन से एनर्जी ड्रिंक सो माय होस्ट इज मेकिंग सम पान दिस इज व्हाट दिस इज तुलसी ना तुलसी पता नो दिस इज नॉट तुलसी तुलसी नहीं है तो क्या है दिस पता आपका हरी पत्ती है हरी पत्ती मीठा हां मीठा ओके होगा थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा व्हाट इट मींस बाय 116 116 इज 120 ना एंड और क्या है 350 दो दिन का किसी मत है ना देयर क्वालिटीज या ओके सो अभी मेरा गाल जो कुछ ऐसा हो गया पान खाने के बाद एंड नाउ वी आर गोइंग अभी कहां जा रहे हैं हम लोग लोकल मार्केट ओके सो दिस इज द लोकल मार्केट यू कैन से ऑर्गेनिक मार्केट आउट हियर ओए किन्नी का आशे बाल आशे एंड ये चीज मैं भी जानता है इट्स यू कैन से लाइक लोकल ऑरेंज ना इसका साइज देखो भाई इट्स लाइक 2 केजीस 1 ऑरेंज हाउ मच फॉर दिस खराब होता रहता है सो दे डोंट वैल्यू फॉर इट आप याम लेगा दिस इज लाइक बैम्बू और व्हाट नॉट बैम्बू याम लीव्स याम ना हमने पे जो खाया याम जो सुबह बना था नो 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 उसका लीव्स है वो ओके भाई ये लोग पूरा ऑर्गेनिक खाते हैं सब कुछ ऑर्गेनिक बॉइल्ड याम पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ मसाले वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे एंड ये वाला चीज़ दूध देख रहे हो ये राइस भी नहीं है भाई दिस इज लोकल बैम्बू शूट और ये यहाँ पे यूज करते हैं जस्ट लाइक ऑयल यू यूज इट जस्ट लाइक ऑयल ना नॉट ऑयल नॉट ऑयल सो सब्जी पे डालने का सब्जी में डालने का ना ओके मीट क्रॉप मीट ना वन बॉटल कितना आशे 50 ओके एंड यहाँ पे इतना ऑर्गेनिक खाते हैं इसका मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ क्या पड़ता है शी इज माई होस्ट पुट ऑफ योर मास्क No, just one. Please, no issue. Can you guess her age? My age? 30. You can't guess. She's saying 30, but she's actually 37. Just because she's having this yam and all the organic things. So finally, we have returned at home. Not permanently, but just as a half time. Or द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट माई होस्ट उन्होंने मेरी बॉडी को ख्याल में रखते हुए मेरे लिए दो बाल्टी पानी रखा है वरना ऐसा कोई नहीं करता भाई थैंक यू जस्ट लुक हियर नहा धो के आई एम रेडी एंड आज हम जाएगा वापस त्यनचांग गांव के अंदर वो खोपड़ी वाला सीन देखने के लिए सो हियर वेलकम बैक टू त्यनचांग विलेज मेरी क्रिसमस निकल चुका है भाई सामने वो वाला चीज़ दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में आपको यही मिलेगा खुद की कंट्री से ज़्यादा फुटबॉल कंट्रीज को प्यार करेंगे विच फ्लैग इज दैट आई डोंट नो मे बी ब्राज़ील का फ्लैग है शायद और भाई ये वाला देखो दिस इज द स्लेज जो कि साइबेरिया में चलता है और ये मेरे को पता नहीं कौन सा एनिमल है याद तो है बट अभी दिमाग से निकल गया अगर आपको याद हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना ये वापस आ चुका है वो वाला मोरूंग जो कि दो तीन वीडियो पहले आपने देखा था लेकिन अब मैं आपको सीरियसली इसके बारे में जो एक्चुअल चीज़ है वो बताने वाला हूँ क्योंकि दो तीन दिन पहले मेरे को पता नहीं था बट अभी मेरे को पता चल चुका है कि नहीं आशे बालाशे ओके सो ये वाला जो चीज़ है ये भाई कोई बोट नहीं है जो कि मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था दिस थिंग ये जब यूज़ करते थे जब गाँव में कोई दूसरा मतलब आपका कम्युनिटी का दूसरा नागा ट्राइब का कोई एनिमी आ जाता था तो ये सब चीज़ें एज ए ड्रम यूज़ किया जाता था इसको बजाने में और बजाने का भी स्टाइल अलग अलग होता था ये अलग अलग लेके मतलब कौन से ओकेजन पे कौन से बजाना है अगर आपका कोई गेस्ट आए कोई एनिमी आए उस हिसाब से और इसके बारे में सबसे मेन चीज़ इसके अंदर लड़कियों का एंट्री प्रोहिबिटेड
अगर लड़के लोग इसमें घुसता है तो उनके लिए 1 or 2 months का जेल होता है, स्पेशली इन दिस ट्वेंगशांग विलेज इन एंसेस्टर्स टाइम। अभी तो इतना कुछ फॉलो नहीं करता रूल वगैरह, बट पहले होता था। और ये आ चुका है अपने फ्रेंड का घर, तो यहाँ पे मेरे को अपना पावर बैंक वगैरह चार्ज करने के लिए दे देता हूँ, आते टाइम मैं ले लेगा। होए हेलो, वेयर इज माय फ्रेंड? इनसाइड। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। कि नहीं आसे समझ में नहीं आता। तो अभी हम लोग पहुंच चुका है गांव के लास्ट पॉइंट पे, जहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे सुंदर घर दिखेगा आपको। यहाँ से 1 kilometer का रास्ता और बचा होगा, अराउंड 20 minutes, एंड देन अगर स्कल सब भी बचा होगा तो हम देख पाएगा। तो अभी हम यार वापस रास्ता भटक चुके हैं, तो अपना जो होस्ट है वो किसी लोकल से रास्ता पूछ रहे हैं कहाँ से जाना पड़ेगा। दिस वे भाई, हम वीडियो दिखा दिखा के पता करें लोकेशन के बारे में। और नागालैंड में देखो आप लोग घूमते कैसे हैं, नॉर्मली घूम रहे हैं भाई ऐसे, ओनली गन लेके, साथ में इनका छोटा बच्चा, ये भी हंटिंग करना सीख रहा है। अच्छा, आप मेरे साथ जा सकता है, कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से आप उधर देख रहा है ना बस्ती? ओके ओके, वहाँ पे किससे पूछेगा तो बता देगा? बता देगा, बता देगा। ओके ओके, कोई चिड़िया महाराज? चिड़िया मारा? नहीं नहीं नहीं, आए बैड लक। सो भाई ने अपने को सेमेट्री का एड्रेस बताया था कि सेमेट्री से थोड़ा नीचे में जाना है, तो सेमेट्री तो ये आ गया भाई। कुछ ऐसा सेमेट्री होता है नागालैंड के अंदर भाई। ये पूरा गांव मोरुंग से भरा हुआ है, यहाँ पे एक और मोरुंग आ गया। और वो वाला चीज़ दिख रहा है ना, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अभी तो मतलब एक स्टैचू जैसा ऐसे ही लटका रखा है, बट आज से अराउंड 50 साल पहले यहाँ पे सीरियसली दूसरा जो कम्युनिटी लोग का होता था, जो हंटिंग करता था, जो हेड हंटिंग करता था, उनका सर लटका हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे 50 years ago बिफोर नाउ। एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दिस विलेज, बैपिस्ट चर्च। यार क्रिश्चियन लोगों का क्या होता है कि हमारे हिंदू मुस्लिम्स के जैसे नहीं होता कि सेम एक ही मंदिर होगा, एक ही मस्जिद होगा या फिर एक ही गुरुद्वारा होगा। इनका जो डिफरेंट मतलब कम्युनिटीज अलग अलग, जैसे बैपिस्ट हो गया, उसके अलावा कौन सा प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक एंड रिवाइवल, बहुत सारा मतलब जितना भी इनका अलग अलग सब ब्रांच है, सबका डिफरेंट चर्च मिलेगा, क्योंकि इनका जो प्रेयर करने का तरीका है टू रीच द गॉड वो सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ऐसा है ना? भाई भाई देखो मैं कितना परेशान कर रहा हूँ लोगों को, बट मेरे को देखना है भाई, देखना है सीरियसली। एक बार जो दिमाग में सोच लिया कुछ भी हो तो करना पड़ेगा, तो बाकी कुछ भी हो प्रॉब्लम्स तो चलता रहेगा, बट इन्जॉय द व्यू एट द टाइम ऑफ सनसेट भाई। बट ये लोग गांव वाले ये भी देख के खुश नहीं है नेचर से, इनका खुद का पर्सनल प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, ये वो सोच के परेशान है, बट मैं ये देख के खुश हूँ भाई, मेरे को नहीं चाहिए रोड, पानी, लाइट। ओए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं नागा लोगों का जो जस्ट लाइक शोल होता है ना, स्पेशल। हैप्पी न्यू ईयर। पैसा कितना? एक शॉल कितना रुपए? हाउ मच फॉर दिस शॉल? कितना से पैसा क्या पे का से? शॉल नहीं जाए बंग ही जाए बोजी 2000। एंड हाउ मच टाइम इट टेक टू बिल्ड लाइक दिस? हाय बहुत दो दिन दम बगा नहीं, कितना टाइम, कितना लगा? अरे चालो ले बंग आ बंग ले जन दे 4 days 3 days, 1 shawl 4 days and 2000, that's the life here। और भाई ये देखो यहाँ पे घरों का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, और पूरे नीचे लकड़ियाँ जमा की हुई फॉर द विंटर्स, क्योंकि 90% यहाँ पे आग जला के सारा काम होता है। और ये क्यूट सा दिखने वाली चीज़ भाई, गांव का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। जस्ट लुक एट द होम्स यार भाई, ये 50 साल नहीं 150 years का पीछे का लग रहा है मेरे को। लेकिन विंटेज चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। कितना दूर? बहुत दूर होता बोला, ये गांव ना बहुत कम का, क्रॉस करके आगे अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। आओ, एक रास्ता उधर है, एक इधर है, विच वन? लेफ्ट चेस करके, उसने लेफ्ट ही बोला ना ऐसा। ओके यू गो। एंडिंग तक तो हम पहुंच गए, बट ये पता नहीं कि हम अपना जो टारगेट है वहां तक पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि हम दोनों को नहीं पता एक्चुअल जगह क्या है। गाँव वालों ने तो अच्छा मतलब गाइड किया उन लोगों को, वहाँ से जाना, बट इस इतने बड़े जंगल में कहाँ पे ढूंढेंगे भाई, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। भाई 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 रास्ता देखो, यहाँ पे पहाड़ वैसे नहीं है स्ट्रॉन्ग वाला, पूरा फिसलन जैसा है, अगर थोड़ा सा भी गलती राउंड राउंड राउंड
and you will be in the valley. किस चीज का? ओके जस्ट लुक हियर ब्रदर, ढूंढ लिया भाई, ढूंढ लिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि इतने बड़े जंगल में मिलेगा। अब वो कैसे पता चला यहाँ पे सस्पेक्ट लग रहा है? मैंने चोप ने चोप दिखाया ना, थोड़ा मुझे नॉलेज था। ओके ओके, ये जो लोकेशन का आपको थोड़ा माइंड में आ गया था ना? ओके भाई, ये सब स्कल्स था जो गांव वाला लोग अपने घर के सामने टांग के रखता था। बट गवर्नमेंट ने जब से हंटिंग बैन किया या फिर गांव वाले थोड़े मतलब ब्रिटिशर्स आने के बाद डेवलप हो गए, तो उनको भी ये चीज़ गलत लगने लग गया कि ये अच्छा नहीं लगता ना वुमन सिविलाइजेशन में, तो उन्होंने गांव के इस कोने के अंदर इन चीज़ों को दफना दिया। बट मेरे जैसे कुछ लोग ऐसी लड़कियों को लेके यहाँ पे आ जाते हैं। भाई मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वुमन स्कल, और इसका स्ट्रक्चर देखो, जो आपको बोलते हैं ना लेफ्ट माइंड राइट माइंड और जो आपका आगे वाला पार्ट होता है, एवरीथिंग जस्ट जो लेदर का बॉल होता है क्रिकेट में उसके जैसा शेप है इसका। जो आपका खरबूजा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलता है? तरबूज, रेड 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 लाल खाता है जो हम काट के उसके अंदर बीज निकलता है ना। हाँ भाई बिल्कुल वाटरमेलन के जैसा होता है अपना स्कल, और दांत भी दिखाता हूँ मैं, जस्ट लुक किसका, किस इनोसेंट का होगा बेचारे का। अराउंड आराम से 200 to 300 ओल्ड। और ये लोग कोई मतलब एज्ड हो के बूढ़ा हो के नहीं मरा था, इन लोग का जो दाव होता था उससे काटा गया था और देन हाथ में पकड़ के अपने घर पे लाया गया था, और देन हैंग नेक्स्ट टू द होम, एंड देन वो लोग दे वर द हेड ऑफ द विलेज ना। अब मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट ये देख के अच्छा लग रहा है या डर लग रहा है? डर लगता है मुझे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये देखने से ज्यादा ये जगह डिस्कवर करने का अच्छा लग रहा है मेरे को। अब साथ में इसलिए हुआ, थैंक यू। भाई मन तो कर रहा है इसको साथ में भी लेके जाऊं, बट अगर ये सही होता ना तो मैं सही में ले जाता, बट अगर मैं ये चीज लेके जाता हूँ रात में जरूर, हाँ तो आपके घर पे लेके जाता हूँ, आपके घर पे मैं रुकूंगा, देन नो प्रॉब्लम? यस और नो? नो। बाहर पे रख सकता हूँ घर के? मेरे को अपने घर पे पार्सल करना है, मैं अपने रूम के अंदर ऐसे डेकोरेशन लगाएगा? नहीं, ऐसा क्यों ले जाएगा इंसान का है? क्या प्रॉब्लम है? जस्ट ए मेमोरी ना फ्रॉम नागालैंड। दिस वर द हेयर्स दे गॉट चॉप्ड। ये कौन सी ट्राइब ने काटा होगा? कौन सा ट्राइब रहता है यहाँ पे? कुन्या को चूचांगा वहाँ किया ना। इस विलेज में कौन सा रहता है? चांग ही चांग। चांग। तो ये चांग लोगों ने काटा होगा ना? I don't know, कोई एनिमी हो सकता है ना, पर मुझे कोई नहीं। और इसके आसपास कौन सा रहता है गांव के? उसके आसपास ट्राइब्स कोन्याक है। कोन्याक एंड फोम है ना, किमजुंगर, किमजुंगर। सो मोस्ट प्रोबेबली या तो ये कोन्याक का होगा या फोम का होगा। भाई ये वाला प्रॉपर मिला है हमें, जस्ट थिंक हम भी मरने के बाद ऐसा हो जाएगा। डर लगता है? अभी तो हमें आपको देख के डर लग रहा है ऐसे बाल। हम स्कल के उसे वापस आ चुके हैं गांव के अंदर, एंड जस्ट एंजॉय द डेकोरेशन। और अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने फ्रेंड के घर पे वापस। यू कैन सी द मोरुंग, नागालों का स्पेशल चीज़, स्पेशली चांगलोंग का। डेकोरेशन देखो यार इनका, पहले भी दिखाया लेकिन वापस दिखा देता हूं मैं। भाई ये रियल एनिमल्स हैं, कोई स्टैचू नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर आंटी, आई एम बैक। हैप्पी न्यू ईयर आंटी। Lagu. Okay. He's your kid. Yeah. Hey. Happy New Year. Changi Chai. I like your nose. So it's 9 at night or मैं पहुंच चुका हूं अपने एक्चुअल होस्ट के घर। किसको? पंकज। 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 अब किसने भी खाएगा? Normally आप लोग फ्राई करके खाते हैं या बॉईल करके? बॉईल भी फ्राई भी। Okay, okay. आलू बॉईल है खाते। What is this? आलू बॉयल। ओके। इतना फ्राई ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ना, कुछ ना कुछ बॉयल खाना चाहिए।
नहीं मेरे को इस फैमिली में आके ना अच्छा ये चीज लगा, मेरे को सबसे ज्यादा जो फ्राई मिला ना यहीं पे आके मिला। इतना यूज नहीं करे ना हम लोग ना, मेरा ओल्ड नहीं रह सकता। My beautiful host has made some beautiful food for me. This is beans or what? Beans. अच्छा से खा गए, मोटे हो गए जना। Okay. नागा लड़की ने ये लाइन कहाँ से सीखा? सीखा ना ऐसे। क्योंकि हमारे जब नानी दादी के पास जाते हैं ना, तो वो लोग बोलता है अच्छे से खाना हाँ, मोटे होके जाना हाँ। आप लोग का भी दादा दादी बोलता है सर? बोलता है। Okay. और आप लोग जब मतलब दादा दादी के पास जाते हो तो आते टाइम आपको पैसा देता है? देता है ना वो लोग, कुछ कुछ निकल गए ना। सेम ना, इंडिया। भाई खाना बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिश के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मोस्टली नागालैंड में मेरे को फिश जो मिला है वो बिटर होता है खाने में, करवा। क्यों होता है? I don't know. But you guys, करवा ज्यादा अच्छा लगता है आपको शायद ना? अच्छा लगता है हम लोगों को। हाँ। वो कहाँ पे गया? So finally, at the end of the day, it's 10 at night. Finally, it's time to feed our chiri. इससे तो मिलवाया नहीं मैंने आज आपको ना? अब ये दूध पीना सीख गए भाई। शुरू में एक दो दिन मतलब वो मम्मी का इसको निपल का याद आ रहा था, तो इसको पता नहीं था इसको कैसे पकड़ना होता है, बट नाउ अच्छे से पीता है। जस्ट चेक इट आउट, सेम वही फीलिंग ले रही जैसे मम्मी का पी रही हो। ट्रिंग 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 ड्रिंग 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 तो भाई चिरी को तो दूध पिला के कोने में सुला दिया। और अब एक और चीज दिखाता हूँ मैं, क्यूट वाला। Where's the doggy? आपके साथ सोएगा, शुशुभ करेगा, चलेगा। गुड नाइट। Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little too.